चिकन पैटिस। इसके लिए हम एक कप मैदा ले रहे हैं, हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं इसमें, कलौंजी ले रहे हैं 1/4 टी स्पून। इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं। अब हम फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले रहे हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे एक डो बना लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर आप एक सॉफ्ट डो बनाए। फ्रेंड्स अब हम इसे एक साइड रख दे रहे हैं। अब हम चिकन बनाने लगे। हम इसके लिए फ्रेंड्स हम इसके लिए 1/2 kg चिकन ली हूँ और 2 मीडियम साइज अनियन चॉप किया हुआ है, इसमें 2 ग्रीन चिली चॉप किया हुआ है और थोड़ा सा धनिया पत्ता, और चाहिए 1 टीस्पून चिकन मसाला, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, और कमिन पाउडर, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी चाहिए। इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं कढ़ाई में। इसमें अब हम अपना अनियन और ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं। इसे फ्रेंड्स गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। फ्रेंड्स हमें इतना ही इन अनियन को फ्राई करना है। अब इसमें हम अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टीस्पून। इसे 30 सेकंड तक चलाना है। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे हुआ तक। इसमें जो मसाला बताया थे फ्रेंड्स वो हम सब ऐड कर देंगे। इसे हमें 3 मिनट तक भूनना है, उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे। हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे मीडियम फ्लेम करके। इससे भी फ्रेंड्स हमें 2 मिनट भूनना है इसी तरह। इसमें फ्रेंड्स आप अपना स्वाद अनुसार सर्व कर दीजिए। चिकन हमारा भून चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा मेथी पत्ता ऐड करें ऐसा क्रश करके। इसमें अब हम 1/2 गिलास वाटर ऐड करेंगे। ऐसे ही तेल है और घुगनी
इसे हम ढक दे रहे हैं। ढक के इसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट समय पकाना है। इसे हमें एकदम पतला बेलना है जैसे हमारा हैंड नजर आए। कितने इसमें अब हम धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। ये चिकन रेडी हो चुका है, इसी तरह रखना है हमें क्वांटिटी चिकन का। अब मैं गैस बंद कर देंगे। हम ऑयल ले चुके हैं, मैं ऑयल ले ली हूँ। इसमें मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से लेयर बाय लेयर वो पैटीज अच्छा बनेगा। हमें इस रोटी में ऐसे लेयर बाय पूरा में लगा देना है। इसके बाद मैं और एक लेकर इसके ऊपर रखूंगी। इसी तरह हम सभी को ऑयल लगा देंगे। मैं सभी रोटी में ऑयल लेयर लगा ली हूँ। अब इसे मैं रोल कर ले रही हूँ। इसे थोड़ा टेस्ट करके अब हम इसे कट कर लेंगे। बेल लेंगे। इसे हमें उतना पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही बेलना है। इसे हम इस तरह कट कर लेंगे चारों तरफ से। इस पर अब हम चिकन ऐड करेंगे। इसमें हम चारों तरफ ऑयल वाटर ऐड करेंगे चिपकने के लिए। इसे अब हम चिपका ले रहे हैं।
इसी तरह हम सभी पैटीज को बना लेंगे चिकन ऐड कर करके। इसके बाद फ्राई करेंगे। इस तरह हम सभी पैटीज को बना ली हूँ, अब इसे मैं फ्राई करने जा रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हमें वो पैटीज ऐड कर रही हूँ। इसे मीडियम फ्लेम में ही फ्राई कर रही। इसमें टू ही फ्राई कीजिए, अच्छा सा फ्राई होगा। इसे हम पलट रहे हैं। इसे मैं निकाल ले रही हूँ। इस तरह हम सभी पैटीज को बना ली हूँ, अब इसे मैं फ्राई करने जा रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हमें पैटीज ऐड कर रही हूँ। इसे मीडियम फ्लेम में ही फ्राई कर। इसमें टू ही फ्राई कीजिए, अच्छा सा फ्राई होगा। इसे हम पलट रहे हैं। इसे मैं निकाल ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बना है, पूरा क्रंची। लेयर भी आया है। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स ज़रूर इसे लाइक भी कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। आयत जाएगा किचन को। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।